उसका साहब का पहले बेल हो गया, उसके बाद मेरा कुछ दिन के बाद हुआ, मेरा बहुत कष्ट हुआ घर वाले में, उसके बाद बहुत दिन के बाद बेल करवाया, पैसा जब जमा हुआ तब मेरा परिस्थिति बहुत ही ख़राब था और अभी भी है परिस्थिति ख़राब। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। गाँव का नाम? बामनी। वो जिनका आप गाड़ी चलाते थे उनका क्या नाम है और गाड़ी का नंबर याद है? नहीं, गाड़ी बोलेरो था और गाड़ी का मालिक का नाम था नकुल महतो। गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर तो नहीं याद है। वो जिस साहब के पास आपको भेजा गया था गाड़ी चलाने के लिए कि किराए पे के लिए जी, तो साहब के बारे में कुछ जानते हैं? साहब बाद में पता चला वो ऑफिसर था। किस विभाग का? आरपीएफ रेलवे का था, मुरी इंस्पेक्टर ऑफिसर इंचार्ज था, फिरोज अहमद नाम था उसका। तो उसने आपको लिफाफा के बारे में कुछ बताया? नहीं, हमको कुछ नहीं बताया था, गाड़ी में रखा हुआ था, उस विषय में हमको कुछ जानकारी नहीं थी। अच्छा, जेल भेजने के पहले सीबीआई ने कोई पूछताछ किया था? कुछ पूछताछ नहीं किया था, बोला था ये लिफाफा किसका है, तो हमने बोला साहब का है, जो साहब का गाड़ी चलाते हैं, वो साहब जो गाड़ी में बैठे थे उन्हीं का है। उसके बाद जेल जाने के बाद आपको जिस गाड़ी मालिक ने कोई मतलब मदद की? नहीं, किसी ने मदद नहीं किया, वो ऑफिसर ने भी नहीं किया और ये गाड़ी मालिक ने भी नहीं किया। हमको घर वाला ने किसी तरह पैसा उसे जमा करके मेरी बेल करवाई और अभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर में हम घूम रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जब मेरा न्याय मिले, कोई भी जो मेरा साथ पैसा वैसा ये कुछ कर घटी है और इधर जो मेरा पैसा वैसा झुकमुट कर बांट गया और कोई छानबीन नहीं हुआ और हमको जेल भेज दिया गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो एक ड्राइवर थे, वो भी भाड़ा का गाड़ी चलाते थे। कितने दिन जेल में रहना पड़ा था? पूरा 5 महीना रहना पड़ा था।